हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल शार्प ऑफ बेसिक्स पर। और आज हम सीखने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेड कैसे करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, देन पूरी वीडियो देखिए। क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि चलो एक वीडियो और बनाई जाए, या फिर आपको पसंद आ रही चीज़ें तो बस इसलिए कहते हैं, अदरवाइज़ तो कोई ज़रूरत तो है नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमें पता लगना चाहिए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो चलिए फालतू की बातें ख़त्म करके जल्दी से हम चलते हैं ग्रो ऐप पर। तो हमारे पास डेस्कटॉप वर्जन है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में देखा ही होगा आपने। तो ये मेरी आईडी लॉगिन है पहले से ही। तो यहाँ पे आपको मैंने पिछले वाले में बताया था कि स्टॉक्स वगैरह कैसे ट्रेड करते हैं इंट्राडे, और ये डिलीवरी वगैरह कैसे लेनी है उसकी, राइट? तो उसमें एक चीज़ रह गई थी बताना, कि अगर किसी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल अल्ट्राटेक का सीमेंट है, ठीक है, मेरे को उसका स्टॉक लेना है। तो बेसिकली आपको मैंने बताया था कि इंट्राडे तो चलो मार्केट टाइम पे ही खुलता है, ठीक है, बट अगर मुझे उसकी डिलीवरी लेनी है, ठीक है, तो एनएससी के शेयर्स होते हैं, ठीक है। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग चलते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो एक्चुअली बीएससी के लो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता, ठीक है। देखो जैसे ये है अपना NSE के 6588 के, ठीक है, और इसका प्राइस है 6583.5, ठीक है। बट BSE एक्चुअली बड़ी मार्केट है, थोड़ी पहले आई थी और NSE बाद में आई है, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जिस मर्ज़ी में ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पर्सनली मैं जब लेता हूँ कोई भी शेयर तो हमेशा BSE में लेता हूँ। तो BSE में ले तो लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछेगा BSE में कितने शेयर चाहिए, राइट? तो मैं अगर बोलूं कि भाई 6500 का कुछ समथिंग का है ना, तो और ये मुझे एक शेयर पड़ेगा 6500 का, ठीक है, मतलब 583 का। तो 6454 इसकी प्राइस है, ठीक है। बट एक्चुअली होता क्यों ये इतना महंगा, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि यार देखो, हर बंदा ना होल्ड करके बैठा है इस प्राइस पे, ठीक है, जो भी चल रहा है ना, ये 6454। तो इनके पास तो अब मान के चलो आपने कोई चीज़ बेचनी है, ठीक है, आपने कोई चीज़ बेचनी है, ठीक है, तो आपको पता है कि उसको मेरे को भाई 30 रुपये पे बेचनी है, ठीक है। तो आप पीछे से कहीं से लेके आए हो खरीद के, आप तभी तो बेच रहे हो उसको, है कि नहीं? अब आप 30 में लेके आए हो, 30 में थोड़ी बेचोगे, राइट? तो यही फ़ायदा होता है इसमें कि भाई अगर इसका 6400 कुछ 54 चल रहा है प्राइस, ठीक है, 6454.50 उसका प्राइस है। तो ये आपको जो बेच रहा होगा, जो ब्रोकर होगा मार्केट के अंदर, वो आपको बोल रहा होगा कि यार मिल तो जाएगा, लेकिन भाई इतना और देना पड़ेगा पैसा, राइट? तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली भाई ये इंट्राडे, अगर अभी तक चलो रात हो रही है, जो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो है नहीं, अदरवाइज एक दिन को रिकॉर्ड करके मैं बता दूंगा कि इंट्राडे में कितने रुपये का मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली 10% कम हो जाता है उससे, 10 गुना कम हो जाता है इसके रियल प्राइस से। पर वो एक दिन में बेचना होता है इसको, आप जितने मर्जी टाइम तक अपने पास रख सकते हो, ठीक है। तो यही है, यहाँ पे अपना आप कितने शेयर चाहिए, ठीक है, उतने डाल दो, ठीक है, फिर कुछ बन जाता है अपना जो भी होगा, ठीक है, टोटल जितने भी होंगे उस हिसाब से आप बाय कर सकते हो, सीधा आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। और शेयर्स बाय करने से पहले आपके बैलेंस होना चाहिए, सबसे पहले तो पहले बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6000 का एक है, तो आपके पास कम से कम 6600 रुपये होने चाहिए, तभी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड थिंग, ये हम इसके बारे में इस वाली वीडियो में तो चलो उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे पास आती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताने से पहले मैं बता दूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है कि निफ्टी 50, और दूसरा आता है बैंक निफ्टी। आप बोलोगे यार दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? बताते हैं, ठीक है। अगर आप निफ्टी 50 का वो देखोगे, ठीक है, तो ये है चल रहा है कुछ 16719 के आसपास, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस मैं बताता हूँ होता है क्या है। आपको इतना तो पता है वो कमोडिटी है, ठीक है, कॉल और पुट, ठीक है, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन, ठीक है, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसका मार्केट प्राइस अभी यहाँ है, ठीक है, ये मार्केट है आपकी 16719, ठीक है।
तो यहाँ पे मतलब एट द मार्केट प्राइस, एट द मार्केट पे कौन सा है हमारे पास, कॉल प्राइस ये वाला ले सकते हैं ठीक है, 16,700 या फिर ये जो भी हो ठीक है। अगर आप मार्केट जैसे मान के चलो मार्केट खुला हुआ है उस टाइम आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आता है कि भाई मार्केट प्राइस पे आप बाय कर सकते हो ठीक है। ये अभी नहीं है वैसे फ़िलहाल, तो चलो मार्केट बंद है तो इसलिए समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट नॉर्मली आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं ठीक है। तो बेसिकली ये है क्या ठीक है, आप तो देख रहे होंगे कि यार इसके ऊपर 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 जाते जाएंगे तो मतलब ऊपर से आ रहा है ठीक है, मतलब कॉल तो ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है ठीक है ऊपर साइड ठीक है। अगर देखा जाए तो ये तो इसका मार्केट प्राइस है जहाँ पे मार्केट चल रहा है, इस साइड पे इसका प्राइस ज़्यादा है ठीक है, लेकिन पुट का प्राइस उस टाइम कम है ठीक है। और पुट का अगर नीचे जाओगे तो नीचे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, कॉल का यहाँ पे कम है ठीक है। और ऐसा क्यों, जो मैं बताता हूँ होता क्या है, जब मार्केट ना हमारी इस तरफ आए ठीक है, जिस अगर इस तरफ आ रही है तो भाई हमारा सीधा सीधा फायदा किस में है, हमारा जो पुट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा ठीक है। और अगर ये वाली जो लाइन है ये नीचे की तरफ जा रही है मतलब 16,700 650, तो हमारा कॉल ऊपर जाता है, मतलब जो हमने कॉमोडिटी कोई भी बाई कर रखी है इसकी ठीक है। फॉर एग्जांपल 167 में मैंने कॉल बाई किया था ठीक है, 167 रुपीज़ पे मैंने कॉल बाई किया था फॉर एग्जाम्पल ये वाला ठीक है, ये कितने का है 16,650 का। अगर मार्केट 16,650 तक पहुंच जाती है तो मेरा जो ये प्रीमियम है जितना भी मैंने दिया था 167 रुपीज़, ये कुछ बढ़ के मतलब जितना भी मार्केट के हिसाब से बढ़ के 200 200 रुपये तक तो जा ही सकता है इजीली, तो 200 210 रुपये चला जाता है। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाता वैसे अगर देखा जाए ना, तो मार्केट फ्लक्चुएशन पर डिपेंड है कि कितना टाइम में जाएगा ऊपर नीचे, बट लेकिन आपको अगर पता है कि मार्केट किस साइड मूव करेगा तो आपके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ से पैसा निकालना। अदरवाइज तो आपको जितने भी आपकी टेक्निकल एनालिसिस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ मार्केट जाएगा ठीक है। बट ये सबसे एक ऐसी चीज़ है ऑप्शन ट्रेडिंग जहाँ पे आपको सही नॉलेज है तो आप, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप ना अंबानी की तरह पैसा छाप सकते हो कि हाँ यार भाई मैं कमा रहा हूँ बहुत तगड़ा वाला विदाउट एनी जॉब, मतलब जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बहुत अच्छी नॉलेज है तो, पर यहाँ पर नुकसान भी बहुत अच्छा खासा होता है, तो थोड़ा सोच समझ के ठीक है अगर अपना पैसा लगाओगे तो किसी एडवाइज़र से बात कर लेना अपने, कि जो तुम्हें अच्छे से गाइड कर दे कि भाई कैसे लगाऊं, क्या लगाना चाहिए, क्या मेरे को सही है लगाना है या फिर गलत चीज़ है ये ठीक है। बट है ये चीज़ ऐसी कि अगर यहाँ पे अगर आपने पैसा एक बार लगाया सही समझ सूझ के कि भाई मेरे को पता है कि मार्केट किधर जा रहा है, तो बहुत पैसा आ सकता है यहाँ से ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसके यही बता रहा था कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में फ़र्क क्या है, निफ्टी 50 में कोई फ़र्क नहीं है ठीक है। ये जैसे मान के चलो मैंने कमोडिटी ली 16,700 कॉल ठीक है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं लॉट्स का फ़र्क पड़ता है बस और कुछ नहीं है दोनों में। लॉट्स मतलब यहाँ पे 50 का लॉट खरीदना पड़ता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 137 के आसपास है ठीक है, तो मुझे 137 × 50 इतना मुझे खरीदना पड़ेगा। ये कुछ बनता है तुम्हारा देखा जाए तो 7,500 के आसपास कुछ बनता है ठीक है, लेकिन आपको एक लॉट खरीदना पड़ता है, लॉट्स के हिसाब से चलता है। तो एक लॉट में 50 यूनिट्स होते हैं ठीक है, मतलब ये यूनिट है एक ठीक है। तो 50 यूनिट्स के हिसाब से इसमें निफ्टी 50 में वर्क करता है ठीक है। और अपना बैंक निफ्टी को अगर देख लें वो भी सेम चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केट के हिसाब से वो भी ऊपर नीचे होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक लॉट ना 25 रुपये का है, 25 उसका है मतलब यूनिट्स का ठीक है। तो 25 यूनिट्स है, फॉर एग्जाम्पल 3 3 2 है ठीक है, कैलकुलेटर खोल लेते हैं यार कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। कैलकुलेटर खोला, यहाँ पे हम करते हैं जल्दी जल्दी, 3 2 × 25 ठीक है, तो ये कुछ मुझे पड़ रहा है 8,300 का ठीक है। बट एक मैं पहले बता दूँ ठीक है, अगर ये 1 रुपये भी ऊपर चला जाता है ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 3 2 पूरे पे लिया ठीक है, 85 वो ऊपर का भूल जाओ ठीक है, और ये चला जाता है कुछ 3 3 4 0 पे ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है, तो अगर मान के चलो मैंने खरीदा 3 3 2 पे और बेचा मैंने 3 40 पे ठीक है, तो 3 40 पे मैंने बेचा, खरीदा था मैंने 3 3 2 पे, कितने रुपए आए मेरे पास 8 रुपए, 8 रुपए नहीं है इसका मतलब ये नहीं है, मैंने लॉट कितने लिए थे 25 लॉट लिए थे, तो इंटू 25 कर दो
तो ये सीधा सीधा हिसाब किताब कि मेरा 200 रुपये बन गया, ठीक है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, जब मार्केट चलता है ना तो 8 रुपये तो 1 सेकंड के अंदर बन जाता है, मतलब 2-3 सेकंड के अंदर 8 पॉइंट ऊपर नीचे हो ही जाता है इजीली। तो 2 से 3 सेकंड के अंदर 200 रुपये बन जाए आपके, अगर आप सॉफ्टवेयर कि 1,000 रुपये कमाने वाले या किस जॉब पे हो या फिर सोच रहे हो स्टॉक मार्केट में घुसने का, तो बता रहा हूँ कि 200 रुपये तो इजीली बन जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि मार्केट कितना जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी चीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो चलो हमने खोल रखी पुट की, ठीक है। तो मार्केट इस समय आई थिंक सो गिरा होगा, ठीक है। तो गिरा है मतलब कि मार्केट गिरा है तो ऑब्वियसली बात है कॉल चढ़ा होगा, राइट। जैसे आपको बताया था मार्केट नीचे की साइड जा रहा है, मतलब 60 कुछ भी है, ठीक है। जैसे कि 36,700 की कॉल है ये, ठीक है। कितने की चल रही है, 351 की है, ठीक है। 351 की कॉल है और ये कहाँ से शुरू हुई थी, ये वन डे का ग्राफ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी नहीं लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि 231 पे थी ये, ठीक है। 231 पे थी ये 11:40 पे। अब मैंने यहाँ पे मैं सोचा चलो यार मेरे को पता लग गया कि यार मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाय कर ली 231 पे और मैंने यहाँ पे इसको आके सेल कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे 378, ठीक है, मान लेते हैं एक हिसाब से। तो अगर अब मैं देखूँ तो मेरा कितना प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 378 माइनस 231, राइट, 231, ठीक है, इक्वल्स टू 147 रुपीज़। एक लॉट के पीछे, वो एक लॉट के अंदर होते हैं 25, ठीक है, यूनिट्स। तो एक यूनिट के पीछे मुझे 147 रुपीज़ ऊपर नीचे हुए, इंटू 25 कर लो यार कितना बनता है, सेम 3,675 रुपीज़ बन गए इजीली। कितने टाइम ऑफ पीरियड में देख लो उस बंदे को, अगर जिस बंदे ने लिया होगा इस समय, तो ये कुछ है तुम्हारा 231 है, 11:40 के आसपास जाए, ठीक है। और यहाँ पे कितना टाइम हो रहा था उस टाइम, 12:56, मतलब कि 1 घंटा मुश्किल से, 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, 1 घंटे के अंदर भाई 3,000 3,500 रुपये बन जाते इजीली, अगर आपको पता हो कि मेरा मार्केट किधर जा रहा है तो। लेकिन इसको समझने के लिए भी है ट्रिक्स, ऐसा नहीं है कि यार मुझे थोड़ी पता लगेगा मार्केट किधर जा रहा है। तो आपके लिए बहुत सारे ग्राफ समझने के लिए है चीज़ें, टेक्निकल एनालिसिस है, बहुत सारे टूल्स वगैरह भी आते हैं। तो वही है, आप पढ़ो उसको, ठीक है, अच्छे से समझो, उसके बाद पैसा लगाना। विदाउट अगर कुछ पढ़े लिखे पैसा लगाओगे भाई, कसम से बता रहा हूँ, डूबने वाला बहुत गंदा डूबेगा। क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी तो मेरे साथ भी ऐसे कुछ हुआ था, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन थी, लगा दिया पैसा, डूब गया। देन फिर फुल इन्फॉर्मेशन ली, अच्छे से पता किया कि मार्केट कैसे वर्क करता है, देन उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट तुम्हारे भाई को भी हो जाता है। तो बेसिकली यही था इस वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूँ ही जानिए रहिए ऐसी ही वीडियोस के लिए। तो अगर आपको किसी एग्जैक्ट किसी प्रॉपर टॉपिक पे चाहिए, या कोई आप बोलो कि यार मुझे ना स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, भाई मेरे को एक ना एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दो, तो नीचे ज़रूर कमेंट करें, मैं पक्का उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आपके लिए तो कुछ भी, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।